आगे क्या सीन है? शाबाश 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 शाबाश। आगे आप कम से कम मुझे, मैं आपको बताऊं कि आपके बाइक के हिसाब से और आपकी ड्राइव के हिसाब से कम अगर बहुत जल्दी पहुंचे फिर भी 11-12 बजे पहुंचेंगे। अच्छा, वजह ये है कि यहाँ से जब आप यहाँ से ऊपर क्रॉस होंगे ना, फिर बाइक आपके गर्म होने शुरू होंगे, फिर कम से कम आधा आधा घंटा घंटा स्टे देना पड़ता है। ठीक है ना, आगे ज़्यादा चढ़ाई है? चढ़ाई कम है लेकिन ऑक्सीजन की वजह से, ऑक्सीजन कम है ना। आप हम ना उसका एयर फिल्टर खोल लेंगे, हम वो खोल के ना खाली वो छज्जा लगा देंगे, उससे ये होगा कि सांस सही लेगी बाइक। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, सुबह खैर दोस्तों। अल्हम्दुलिल्लाह उठ चुके हैं, बबून जाने के लिए तैयारी कर चुके हैं, बाइकें वगैरह सारी रेडी हैं। ये हैं जी तंजेब भाई, इनके यहाँ हम रात यहाँ पे इनकी ढोक पे गुजारी है और आपने देखा ज़बरदस्त माहौल था अंदर, हमारे लिए तो ज़बरदस्त था। वो सामने घर है जी, ये सारे घर जो हैं ये ऐसे ही बने हुए हैं, लपाई हुई हुई है लकड़ी और मिट्टी के ऊपर लपाई है, साइडों पे पत्थर हैं, तो ये ढोके ऐसी होती हैं। तो अब आगे चलने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, तो बस पैकिंग हो गई है, चलते हैं इंशाल्लाह बबून टॉप की तरफ। सुभान अल्लज़ी सख़र लना हाज़ा वमा कुन्ना लहु मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। अल्लाहु अकबर। बिस्मिल्लाह। अल्लाहु अकबर। आ रहे हो? इधर ज़रा चढ़ाई है। ढोक में रात कयाम के बाद अगली सुबह 8 बजे हम अपना बबून टॉप का बाकी का सफर शुरू करते हैं। एक के बाद एक स्टीप ट्रैक कवर करते हुए हम बढ़ते जा रहे थे, लेकिन जैसे जैसे हम एवेल्युएशन गेन कर रहे हैं ट्रैक मुश्किल से मुश्किल तरफ होता जा रहा है।
आगे ठीक है, थोड़ा साइंस निकाल दे बाइक का अपना भी, पैर नीचे लगा लगा के आना पड़ता है, डोके भी नीचे रह गई। अभी स्ट्रेटजी ये है कि एक चढ़ाई चढ़ते हैं दो, और बाइक को थोड़ा रेस्ट देते हैं, फिर उसके बाद दो तीन चढ़ाइयाँ चढ़ते हैं, फिर बाइक को रेस्ट देते हैं। चलें बिस्मिल्लाह, शाबाश शाबाश। है स्टीप ये, चले चले। वो जहां पे है ना नेक उसका, वहां पे जाके थोड़ा सा मसला होगा। सीधा हो गया आगे, मैं और कासिम मुशावरे से चल रहे थे। हम इंटरकॉम पर एक दूसरे को गाइड करते हुए हर आने वाली चढ़ाई को असेस करते और आगे बढ़ते। मोटरसाइकिल को पैरों की मदद से आगे धकेलने के लिए स्ट्रगल चाहिए, और एक्सट्रीम जोर लगाने से सांस चढ़ती है जो माइक में वाजिया सुनाई देती है। ठीक है यार, इजी है, आ जाओ आ जाओ। पैरों से ना बाइक को आगे धकेल। शाबाश 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 शाबाश, यू डू इट, यू डन इट, शाबाश 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 शाबाश। जबरदस्त, ठीक है ठीक है, इतना खतरनाक नहीं है, पर स्टीप बहुत है, यानी कि पत्थरों वाला बहुत है। ऊपर से आके ना साइड पे पखरंडी है, उस पे आ जाना, वहां से ठीक है रास्ता। आ जाओ, इस तरफ आ जा, अब इस तरफ आ जा। जबरदस्त, चल अब इजी आ जाएगा। शाबाश शाबाश, गुजर जा गुजर जा, उधर जाके बाइक खड़ी कर, आगे इजी है, ये चढ़ा दे ऊपर। शाबाश। यहाँ इवैल्यूएशन तो इतना इफेक्ट नहीं कर रही थी, लेकिन सूरज और क्लियर एटमॉस्फेयर की वजह से गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो रहा था। हमारी बाइकर जैकेट्स जहाँ हमें प्रोटेक्ट कर रही थी, वहीं एक बड़ा नुकसान भी दे रही थी, जिसका खमियाजा हमें आगे जाकर भुगतना पड़ा। शाबाश, मैं देख रहा हूँ, मैं तुम्हारी टेल पे हूँ बिल्कुल, आप जाते रहो बस, रास्ता ना रोकना मेरा। शाबाश 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 बबून। दरअसल बाइकर जैकेट और सेफ्टी गियर्स की वजह से हम शदीद स्वेटिंग का शिकार थे और डिहाइड्रेट हो रहे थे। अगरचे हमारे पास मुनासिब मकदार में पानी मौजूद था, लेकिन वो भी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रहा था। बबून के इस ट्रैक पर हमें एक भी चश्मा या आबशार मैसर नहीं थी कि हम अपनी वाटर बॉटल्स पानी से भर लेते, और ना ही हमारे पास खाने के लिए कुछ मौजूद था, जो कि इस ट्रैक पर की गई
हमारी सबसे बड़ी गलती थी। हमारे इस पूरे ट्रैक पर हमें सिर्फ एक या दो राहगीर मिले, उसके अलावा इस पूरे ट्रैक पर हम बिल्कुल तन्हा थे। यहाँ से जोर से चलाएंगे फिर, रोक ले। यहाँ बहुत से मुकाम पर ट्रैक बहुत नैरो हो जाता है, लेकिन तवज्जो ट्रैक पर मरकूज रहे तो डर हावी नहीं होता। सीधे रास्तों पर गुमान गुजरता है कि बस पहुंचने वाले हैं, लेकिन उसके बाद अगले मोड़ पर ही अंदाजा होता है कि अभी सफर बाकी है। बाज जगहों पर तो बाइक बिल्कुल बेबस हो जाती है और फिर उतर कर जोर लगाना पड़ता है। और फिर ट्रैक पर सिर्फ चढ़ाई ही नहीं, बड़े बड़े पत्थर भी हाइल होते हैं, जहां बाइक को हाई आरपीएम पर रखना और भरपूर जोर लगाना पड़ता है। आगे क्या सीन है? आगे फिर स्टीप है, ओए होए होए होए, आगे फिर बहुत स्टीप है। वो ऊपर चढ़ना भी यार, शाबाश। आ जाओ आ जाओ, शाबाश।
ये देखें जी, सो व्यूवर्स, यहाँ तक हम 70% ट्रैक कंप्लीट कर चुके थे। सूरज बिल्कुल हमारे सर पर था और खुश्क हवा प्यास की शिद्दत में इजाफा कर रही थी। हमारी वाटर बॉटल में पानी बिल्कुल ख़त्म हो चुका था एंड वी वर एग्जॉस्टेड। और अगला ट्रैक और भी ज़्यादा दुश्वार था। खैर, हम रेस्ट के लिए एक ऊँची जगह बैठ गए और हमारे सामने का मंजर ये था। आजा आजा, शाबाश शाबाश, ज़बरदस्त, वेरी गुड। अब यहाँ पे ना सीधी कर ले, एक जोर से चलानी है ऊपर। ये एक ऐसे स्लोप है, बस आगे जाके ना पकड़ लेगी बाइक मोमेंटम। चलो हाँ, क्या सीन आगे? बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह
ओके दोस्तों, वो जो सामने आपको गुजरगाह नज़र आ रही है ना, वहाँ से जाके हमने नीचे जाना है। सिर्फ वहाँ तक जो हमने है वो असेंड करना है, उसके बाद थोड़ी सी डिसेंडिंग है, मेडोज आ जाएंगी। तो बस थोड़ा ही रह गया, तकरीबन 11 बज गए हैं। हम 8 बजे निकले थे और अभी तकरीबन 11 बजे का टाइम है, तो बस थोड़ा ही रह गया। काफ़ी मुश्किल और स्टीप ट्रैक है ये। रत्ती गली अपनी जगह मुश्किल है, ये अपनी जगह मुश्किल है दोनों मुश्किल ही। सो फिलहाल कर रहे हैं, गिव अप तो नहीं किया अल्हम्दुलिल्लाह, हिम्मत है और लगन है, इंशाल्लाह जा रहे हैं। लें जी, बाइक की बस हो गई है, ये बहुत ख़तरनाक है, ऊपर स्टीप है और सुबह से बाइक चढ़ रही है, बड़े सुकून से लेके आ रहे हैं। कासिम आगे है और मैं पीछे हूँ, तो बहुत टफ है जी बबून टॉप एज मच एज रत्ती गली, लेकिन गिव अप नहीं किया अल्हम्दुलिल्लाह, जा रहे हैं। ओह, एक तो इधर पानी कहीं नहीं है पूरे ट्रैक में, पानी साथ लेके आए और वाफर मकदार में लेके आए, क्योंकि अगर तो आप दिन के टाइम ऊपर आ रहे हैं तो कोई छांव नहीं है, तो रिहाइड्रेशन फील होती है। हमारा जो पानी था वो ख़त्म हो चुका है, वो सामने हमने जाना है, बस थोड़ा सा रह गया, तो दो तीन स्टीप चढ़ाई हैं उसके बाद फिर हम पहुँच जाएंगे। लेकिन अब पानी के बगैर हिम्मत जवाब दे रही है, उसकी वजह कि पीछे ही दो तीन बड़े स्टीप हम करके आए हैं ऊपर जोर लगा के, और पानी के बगैर करके आए हैं, तो पानी इधर जनाब लाजमी लेके आए, ज़्यादा पानी लेके आए अगर आपने ये ट्रैक बाइक पे करना है तो। बिस्मिल्लाहिर्रहमान, आ रहा हूँ।
अल्हम्दुलिल्लाह, लहरी पहाड़ों के बिल्कुल सीज में आ गए। अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्र है अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें जी, तौबा, ले जी दोस्तों, हम टॉप पे पहुंच गए हैं और ये शबाज भाई भी पहुंच गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या अली। ले जी बबून टॉप है। ये देखो पैरेलल है पहाड़ों में, पूरा पहाड़ी चढ़ लिया हमने। है आगे सीन क्या है? चलो ले जी आपको दिखाते हैं कि इस मोड़ के ऊपर आके आगे से क्या है। वाह, वो सामने कैंप लगे हुए हैं। हा 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 हा, ले जनाबे आला, फाइनली वी आर एट बबून टॉप। ले ये जो हिल थी, यहाँ से आके अब नीचे ये मेडोज आ जाती हैं। आओ जी, अल्हम्दुलिल्लाह बबून टॉप पहुंच चुके हैं दोस्तों। अस्सलामुअलैकुम। अल्हम्दुलिल्लाह आदिल भाई, सब खैरियत है? पानी पिलाएं, मुझे बहुत ज्यादा प्यास लगी है। अस्सलाम वालेकुम सर, मैं पानी पी लूं, मैं फिर मिलता हूं। ले जी दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह बखैरियत हम पहुंच चुके हैं बबून टॉप पे। एक सलाह जो है वो ये है कि जो बबून टॉप बाइकों पे आ रहे हैं दोस्त, वो अपने साथ खूब सारा पानी रखें, क्योंकि जोर काफ़ी लगता है कहीं पर बाइकें आपको पैदल चलानी पड़ती हैं ऊपर, और सेफ्टी के तमाम जो प्रिकॉशंस हैं ना वो ले के ऊपर आए। डूएबल है, आसान नहीं है, काफ़ी स्टीप है, मुश्किल है, पर अगर आप हिम्मत करें तो ऊपर आराम से पहुंच सकते हैं। जब हम ऊपर आए हैं तो ज़रा सांस बराबर की है, हूँ हाथ धोया है और अब खाना तकरीबन आ चुका है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें जी, अल्हम्दुलिल्लाह ये खाना आ चुका है। ये बाहर बबून टॉप का सीन है और इधर कासिम भाई हैं। जी कासिम भाई, कैसा तजुर्बा रहा आपका? बहुत मुश्किल था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह पाक ने खैरियत से यहाँ पे हमें ले आए हैं। माशाल्लाह जी, फर्स्ट टाइम कासिम साहब ने रत्ती गली भी की है और फर्स्ट टाइम ही बबून टॉप भी की है। तो ये हार्डेस्ट ट्रैक की जो सीरीज है ना जी, इसके दो मिशन जो है वो अकम्पलिश हो चुके हैं, और अब आगे जो है कौन सा ट्रैक कर रहे हैं हम, खुद ही बता दें कासिम भाई।
ये आपको खाने के बाद बताएंगे। चलें जी, वो आपके लिए सरप्राइज है, फिलहाल हम खाना खाएंगे। बाहर भी बहुत से कैंप लगे हुए हैं, हर किस्म की सहूलत है इधर, आप आए और ऊपर रात स्टे करें जैसे मर्जी, यहाँ पर कोई मसला नहीं है। और खाने पीने की अशिया, टक शॉप्स, कैंटीन वगैरह हर चीज़ मौजूद है। तो हम खाते हैं खाना इंशाल्लाह, उसके बाद आपको ज़रा सराउंडिंग दिखाएंगे। इतनी मुश्किलात उठाने के बाद आपके जहन में एक ही सवाल आता है, वॉज इट वर्थ इट? सो एब्सोल्युटली 100% यस। इन जगहों की एक सिंपल फिलॉसफी है कि दुनिया का कोई भी कैमरा इनकी खूबसूरती जस्टिफाई नहीं कर सकता। असलियत में यहाँ होने का एहसास अपने आप में एक रूहानी तजुर्बा है। मायने खेज बात यहाँ पर यह है कि आप कुदरत से कितना प्यार करते हैं। मेरे ख्याल से दुनिया का सबसे सुकून दे साउंड इज एन एब्सोल्यूट साइलेंस, जो सिर्फ ऐसी जगहों पर मैसर होता है। यहां मुझे मुस्तंसर हुसैन तारर साहब के सफरनामों से एक तहरीर याद आई कि पहाड़ बातें करते हैं, यहां परिंदों की जुबान भी समझ आती है और वो आपसे सवाल जवाब करते हैं। यहां फिजाओं की तस्कीनदे सरगोशियां आपकी समात के लिए राहत फराहम करती हैं। वो नींद शायद आपको किसी शानदार मैट्रस पर ना आए, जो यहां मौजूद मिट्टी से बनी डोकों के एक बसीदा से बिस्तर पर मैसर हो। मैं अपनी उम्र के उस हिस्से में हूं जहां मुझे दरवेशों की पहाड़ों पर सकूनत अब समझ आने लगी है। शायद आप में से अक्सर के जहनों में ये सवाल पैदा होता हो कि ऐसे मकामात पर जाने के लिए कितनी मुश्किलात उठाना जायज़ हैं। तो इसका गैर फलसफाना जवाब सिर्फ इतना है कि दुनिया में बेशतर इंडिविजुअल्स की तमाम तर जद्दोजहद जिंदगी में तस्कीन और सुकून पाने के लिए होती है। अब वो आपको किस जगह या किस शय में मैसर है, इसका फैसला आपकी तरजीहात करती हैं। अच्छा जी, ये बबून टॉप से मैं आपको बताता हूँ, ये जो रास्ता हम लेके आए हैं ये जागरण की तरफ से आता है। ये जो आप सामने पहाड़ देख रहे हैं, इसके पीछे जो बटाकुंडी है यानी कि कगान नरान का रास्ता है, इस तरफ जो है वो पतलियाँ लेक है, इस तरफ केरन है। बेसिकली दो रास्ते लगते हैं, एक तो नदगर नाला नीचे उतर के और एक ये जागरण की तरफ से आता है। तो हम जिस तरफ जा रहे हैं नदगर नाला की तरफ नीचे उतर रहे हैं, तो हम अब सफ़र करेंगे दूसरे ट्रैक का। पहले तो हमने आपको ये ट्रैक दिखाया है, अब हम जाएंगे इस ट्रैक से नीचे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ट्रैक और बबून टॉप का ये व्यू पसंद आया होगा। तो जागरण का जो हम रूट करके आए हैं, अब हम वहाँ से वापस नहीं जा रहे, हम नदगर नाला की तरफ जा रहे हैं। हम रात ऊपर नहीं रुक सकते क्योंकि हमारा सामान नीचे पर है और वो होटल का भी रेंट हमें पड़ रहा है और इधर का भी फिर वो मामला। खैर, अभी हम वापस जा रहे हैं क्योंकि हमें 4 घंटे नीचे उतरते हुए लगेंगे, इसलिए थोड़ा सा अर्ली शुरू कर रहे हैं। तकरीबन 3-4 बजे का टाइम है इस वक्त, 4 बज चुके हैं, तो नीचे जाते जाते रात हो जाएगी। खैर, जाना तो है, तो अभी चलते हैं नीचे नदगर नाले की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुभानल्लज़ी सख़्खर लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। ओके दोस्तों, सफ़र अब हमारा शुरू हो चुका है नीचे की तरफ, लेकिन जो ट्रैक लेके आए हैं वो हम वापस भी जा सकते हैं। अच्छा, बताने वाले बताते हैं कि जागरण का जो ट्रैक ना नीचे उतरने के लिए वो आसान है, क्योंकि आगे जाके 18 किलोमीटर का आपको पक्की रोड का ट्रैक मिल जाता है। लेकिन मैं नगदर नाले की तरफ से वापस जा रहा हूँ और मेरा था प्लान कि मैं एक समझ लें कि एक सफ़र में 2 ट्रैक आपको दिखाऊँ। अभी तो हमने बबून टॉप कर लिया है अल्हम्दुलिल्लाह, अब हम ये देखें, पहले हम आए इस तरफ से ऊपर से, ठीक है, उतर के नीचे बबून, और अब हम जा रहे हैं नीचे नदगर नाले की तरफ। ये नदगर नाले की तरफ जाते हुए सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो आता है जबरी, ठीक है जी। जबरी से आगे दुमेल आता है, दुमेल से आगे फिर आप जाते हैं तो नीचे की तरफ उतरते हैं, तो फिर आप नदगर नाले की तरफ लिंक करते हैं।
खैर अब जा रहे हैं, अल्लाह हमारा हामी और नासिर हो। नहीं यार ये बेहतर है, ये रास्ता बेहतर है नदगर वाला ना। उधर लोग शायद इसलिए आते हैं ज़्यादा क्योंकि वो ज़्यादा ट्रैक बना हुआ ना पीछे से, लेकिन आगे आके वो उतना ही ज़्यादा स्टीप है। लेकिन ये जो ट्रैक है ना, ये स्टीप तो है लेकिन एटलीस्ट यहाँ पे बाइक चल रही है। लेकिन मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि दोनों ट्रैक ऑडियंस के सामने है, जो बेहतर लगे वो कर लें। हैं, वो स्टीप भी है और ये जो पत्थर आपको पड़े नज़र आ रहे हैं ना, इससे कहीं ज़्यादा और गहरे हैं। और कहीं कहीं से तो ऐसा लगता है बंदे को कि बिल्कुल 90 का एंगल ऐसे डाउन। नहीं 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 नहीं, कुछ नहीं होगा, अल्लाह खैर करे। मुश्किल तो कोई भी नहीं है, अल्लाह का शुक्र है। आगे क्या सीन है? जगह तो दो ना यारा। कुछ भी नहीं है यार, ऐसे घबराई जा रहा है। ऊपर से वो रास्ता बना तो हुआ है एक। हाँ हाँ, हॉर्न नहीं दे रहा, खुद ब खुद बाज रहा हॉर्न। बिस्मिल्लाह, चलो निकल आया हूँ। रोड लेके आया नीचे जो कि जबरी की तरफ जा रहा है, नदगर नाले की तरफ जा रहा है बेसिकली। ये रोड दरमियान में जो गांव आता है नदगर नाला और दुमेल, यहाँ से ना ये रास्ता बहुत ख़राब है, गाड़ियों के लिए मौजू नहीं है क्योंकि ये नैरो है। ये भी यहीं पर खड़े हैं, वो ऊपर इनका वेट कर रहे हैं। तो मामला तो यूँ है कि यहाँ पर पिछले दिनों को गाड़ी वगैरह भी कह रहे हैं कि कोई एक्सीडेंट हुआ है, गिरी है। तो उस रास्ते पे वाटर क्रॉसिंग्स वगैरह इस तरह का कोई चक्कर नहीं है। हर दोनों ट्रैकों का ना अपना अपना ख़तरा है जनाब, लेकिन ये है कि दोनों ख़तरनाक हैं। वो स्टीप है ज़्यादा, ठीक है जी, और ये स्टीप तो नहीं इतना खैर लग रहा, लेकिन इसमें वाटर क्रॉसिंग्स हैं और जिसकी वजह से लैंड स्लाइडिंग वाला मामला भी इधर ज़्यादा है क्योंकि इधर मैंने देखा ग्रीनरी भी ज़्यादा उस तरफ से। थोड़ा सा इतना ज़्यादा नहीं, डूएबल है, लेकिन रास्ता जो है ना वो मेरा ख्याल है अभी क्लियर किया है इन्होंने, कोई लैंड स्लाइडिंग वाला इशू था इधर। ये थोड़ी सी वाइब्स पता किस चीज़ की आई है मुझे अब, ब्रोगल की। हाँ जी, ये वाइब्स हैं ब्रोगल की। ये मैं ऊपर से देख रहा था, मुझे ये बड़ा नैरो लग रहा था और वही बात हुई। आ गए हो? अच्छा, फिर उन्होंने ना वो वाला रोड नहीं देखा हुआ जीप वालों ने, है ना।
इसलिए वो कह रहे हैं इधर तो ऐसा ही है, ये ज़्यादा खतरनाक मुझे लगता है, बहुत ज़्यादा खतरनाक है। लेकिन फिर भी यार हम उतर रहे हैं ना, चढ़ाई के अपने मामला होते हैं। बार कैफ है ये यार, खतरनाक ही है, दोनों ही खतरनाक है। मतलब बबून टॉप करना जो ना, समझ लें कि कोई आसान नहीं है। अच्छा थोड़ा सा स्टीप है, देख के आना बस, मट्टी नीचे से बिल्कुल नरम है, यानी कि पत्थर वही, देख के ध्यान रख के आना। यहाँ से ना ऐसे नहीं आना, मोड़ के लानी है ऐसे, इधर से ला के ना पूरी मोड़नी है, मैं आगे निकल जाता हूँ। या मोड़ ले, मेरा ख्याल तेरे के लिए जगह है, पूरा ज़बरदस्त। हाँ ठीक है, अब जा ले जी। मेरा ख्याल है ये जबरी गांव करीब ही है। सुभान अल्लाह, क्या बात है यार, खूबसूरत। अच्छा जी, ये इस तरफ से ज़्यादा लश ग्रीन है उस सफ़र से जो हम उस तरफ से करके ऊपर बबून टॉप गए हैं, यानी कि कुंडलशाही से जो करके हम ऊपर गए हैं जागरण, और ऊपर से वो शाल और डब्बा करके ऊपर बबून टॉप पहुँचे हैं। वो रास्ता बिल्कुल ऐसे पहाड़, कोई सब्ज़ा कुछ नहीं है, लेकिन इस तरफ से मैं देख रहा हूँ बड़े खूबसूरत सीनरीज आती हैं इधर, बड़ी खूबसूरत, और हर तरफ बुलंदो बाला दरख्त है। यानी कि अगर आप दोपहर के टाइम भी ये ट्रैक करते हैं, स्टीप तो है, स्टीप तो वो भी है, ठीक है, ख़तरा दोनों तरफ तकरीबन सेम ही है स्टीपनेस के लिहाज से, लेकिन ये ट्रैक इसलिए है कि यहाँ पर ना आपका पसीना और डिहाइड्रेशन कम होगी। हाँ जी, हैं इधर भी स्टीप चढ़ाइयाँ, ओए होए होए, क्या यार खूबसूरत जगह। लेट्स स्टे हियर फॉर टुनाइट। यार कंसीडर तो कर, यार देख तो सही जगह कितनी प्यारी है। नीचे जाके हमने जो होटलों में रहना है, सुबह फर्स्ट टाइम नीचे जाएंगे, क्या ख्याल है? चलो चलें फिर, आप लगता है लंबे मामलाते हमारे, हमारा सारा कुछ सड़क खत्म है भाई, यही सड़क है। हाँ जी, जबरदस्त, क्या बात है। ले जी, दो मेल गुजार के आए हैं पीछे कश्मीर बाजार। यार ये कितना लश ग्रीन है उस तरफ से, हाँ ये ज़्यादा खूबसूरत है, इसका मज़ा आना था इस ट्रैक का ना। चलो जाति बार हो गया, एक टिकट में दोनों मज़े हो गए हैं। वाह, ओए होए होए होए, ओए होए होए होए, क्या बात है यार। ये गुजर रहा है ट्रैक, कौन से गुजर के जाएंगे नीचे हैं? वो नीचे रोड सही है, वो देखो वो नीचे रोड ठीक है, वो सड़क बनी हुई है, कुछ इस तरह का ही है। आ जाओ। यार पता क्या बात है भाई, देखो सीधी सी बात है, तुम जो चीज़ देख नहीं रहे, हाँ इसमें प्लस पॉइंट है इस वाले रास्ते में, लेकिन इसमें जो चीज़ हम नहीं ना देख पा रहे, हम कर रहे हैं डिसेंड, हमें नहीं पता कि असेंडिंग में ये कितना मुश्किल होगा, एज मच एज ही मुश्किल होगा जितना वो है। इसको यहाँ से खड़े हो गए ना, यहाँ से खड़े हो गए एक बार, उस जेन से सोचो कि तुमने ये चढ़ के जाना है, तो वही चीज़ आ जाती है। हाँ रास्ते बीच में खूबसूरत हैं, वो डिहाइड्रेशन वाला जो चक्कर हमारे साथ हुआ है वो नहीं होगा।
अभी देखें ज़रा, देखें ज़रा इधर खड़े हो गए कि ये चढ़ के जाना है। सेम वही चीज़ है यार, देखें ये खूबसूरत रास्ता ज़रूर है, थोड़ा आसान है उससे थोड़ा, लेकिन इसको भी कोई इजी ना ले, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। ले जी हार्डेस्ट ट्रैक का आखिरी पड़ाव, उसके बाद रोड सीधे। ये काम खराब है, अल्लाह अकबर। काफी आ जाओ बस, जरा ये है कि क्लच छोड़ के आना। मैं इधर रुकता हूँ, आप आ जाए, मैं आपका वेट कर लूँ। ज़बरदस्त ज़बरदस्त, आ जा आ जा। लो जी पक्का रोड शुरू हो गया, 8 किलोमीटर है सिर्फ नगदर नाला यहाँ से। ये थोड़ा सा पैच है, ये चढ़ेंगे तो पक्का रोड शुरू है। और यू हम अल्हम्दुलिल्लाह बबून टॉप के दोनों ट्रैक कराए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी दोस्तों, आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं इस वक्त कारका में हूँ। कारका में ये 8 किलोमीटर की रोड है जो लीड करती है आपको सीधा नगदर नाले। तो उतरे हैं जनाब, 4 बजे चले थे, अब क्या टाइम है कासिम? हाँ तो 2 घंटे में तकरीबन हम आ गए हैं नीचे। अल्हम्दुलिल्लाह जी 2 घंटे में हम बबून टॉप से नीचे आ गए हैं। ज़ाहरी बात है हमारी डिसेंडिंग थी, तो डिसेंडिंग जो होती है वो हमेशा जल्दी होती है, लेकिन हम मुझे मेरा ये जाती राय है कि उधर के रास्ते से जागरण के रास्ते से ये रास्ता स्टीप तो है, लेकिन उतरने के लिए हमें सिर्फ 2 घंटे लगे हैं। उधर भी शायद इतना ही लगते, लेकिन वो हमें बड़ा घूम के आना पड़ना था। हमारा होटल केरन में है जहाँ पे हमारा सामान है, इस वजह से हमें ये जो रास्ता था ये ज़्यादा कन्वीनियंट था। सो देयरफॉर हमने ये रास्ता लिया है और अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक आ गए। लें तो दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह नगदर नाला फाइनली हम उतर आए हैं। ये रोड है केरन की जो हम ऐसे यू टर्न लेके वापस जाएंगे अपने होटल में जहाँ पे हमारा सामान पड़ा हुआ है। अच्छा आज हमारा जो प्रोग्राम है वो है केल जाने का, केल सेरी। केल से पहले एक जगह आती है केल सेरी, वहाँ पे जाएंगे अपना सामान लेके और आज रात की रिहाइश वहाँ पे करेंगे और कल का प्लान आपको बताएंगे जी कल हम क्या करने वाले हैं। ले जी दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह ट्रैकिंग शुरू कर चुके हैं चट्ठा कट्ठा के लिए।